हेलो दोस्तों, मेरा किश आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने एक नए वीडियो पे। दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल रिटेलर हो और अगर आप यहाँ पे एयरटेल का मित्र ऐप एप्लीकेशन को यहाँ पर चलाते हो तो मित्र ऐप एप्लीकेशन को लेकर जस्ट अभी भी यहाँ पर एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों, मित्र ऐप एप्लीकेशन का जो नया अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है मित्र ऐप एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर जो इससे पहले आप वर्जन को चला रहे थे वो यहाँ पर चला रहे थे वर्जन 5.29 का, यानी कि 529 का वर्जन यहाँ पर अभी तक चला रहे थे आप। लेकिन अभी यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन जो यहाँ पर आया है मित्र ऐप एप्लीकेशन का, वो यहाँ पर आया है वर्जन 5.30 का, यानी कि 530 का यहाँ पर नया लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आ चुका है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है मेरे को कमेंट आ रहा था, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पर जो ये नया अपडेट आने वाला है मित्र ऐप एप्लीकेशन, क्या उसमें क्या हमें ये फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा या ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। फेस ऑथेंटिकेशन का मतलब यहाँ पर जो है आप जब भी यहाँ पर ग्राहक का नया सिम चालू करने जाओगे तो यहाँ पर आप जो है ग्राहक का फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए यहाँ पर जो है सिम कार्ड को चालू कर पाओगे। सिर्फ उसका आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर डाल के यहाँ पर सिर्फ उसका आई स्कैन के द्वारा यहाँ पर जो है सिम कार्ड को चालू कर पाओगे। यहाँ पर ना ही आपको बायोमेट्रिक का जरूरत है और ना ही उसका जो है डॉक्यूमेंट क्लिक करने का, यानी कि डॉक्यूमेंट का फोटो भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अल्टरनेट नंबर भी यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर जो है आपको वो फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे सुविधा देखने को मिलेगा। ये लेटेस्ट वर्जन जो यहाँ पर आया है मित्र ऐप एप्लीकेशन का, क्या इसके अंदर हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर सबसे पहले लॉग इन करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को बिना मिस किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के अंदर आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो टाइम हो रहा है 7:47 हो रहा है और आज का डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 13 सितंबर है। यहाँ पर आपको जो है आज का डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले चलिए ये मित्र ऐप एप्लीकेशन को आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हो मित्र ऐप एप्लीकेशन के ऊपर हमने टैप किया और यहाँ पर जैसे ही मित्र ऐप एप्लीकेशन के ऊपर टैप किया हमने तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मित्र ऐप एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन, वर्जन 5.30 का, यानी कि 530 का ये लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर आपको जो है ऊपर में अपना लापू नंबर मैं डाल दिया हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर मैं आपको लॉगिन करके इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। सबमिट ऑल ऑप्शन पर यहाँ पर मैंने टैप किया, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर मैंने सबमिट ऑल ऑप्शन पर टैप किया तो मित्र ऐप एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं ले चलता हूँ आपको एक्टिवेशन सेक्शन पे, प्रीपेड डिजिटल एक्टिवेशन सेक्शन पे यहाँ पर मैंने टैप किया और यहाँ पर जैसे ही मैंने टैप किया तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट टैप के ऊपर टैप करके यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। UID कार्ड, आधार कार्ड को ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिजिटल KYC को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारा एक्टिवेशन फॉर्म ओपन होकर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा फेस ऑथेंटिकेशन का। तो मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर यहाँ पर जो है अभी ऐड किया गया है मित्र ऐप एप्लीकेशन का ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर, वर्जन 5.30 का, यानी कि 530 के अंदर भी ये यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन को ऐड नहीं किया गया है। तो हो सकता है जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला हो उसके अंदर यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी अभी तक यहाँ पर मेरे को नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन आया है वर्जन 5.30 का, ये वर्जन के अंदर भी हमें फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है सिम एक्टिवेशन के अंदर। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने ये लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल नहीं किया है, अपने स्मार्टफोन पे डाउनलोड नहीं किया है, तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना होगा। नीचे जो है मैंने लिंक दे रखा है मेरा टेलीग्राम चैनल का, तो जाकर सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लो, उसके अंदर ये लेटेस्ट वर्जन का लिंक मैंने डाल दिया है APK फाइल में, तो आप जाकर वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और इस नया वर्जन को यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।